हमारे 12 फिल्म विवाद से डरे अनु कपूर बोले नास्तिक हूँ मैं पैसों के लिए क्या काम। जी दोस्तों फिल्म हमारे 12 कंट्रोवर्सी पर अपनी राय दी अनु कपूर ने। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। और मिल रही जान से मारने की धमकी पर बात की। अनु कपूर कहते हैं कि वो नास्तिक हैं, उनका किसी धर्म विशेष से लेना देना नहीं है, वो एक कलाकार हैं और इस फिल्म में उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए काम किया है। बता दूं कि हमारे 12 फिल्म की जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से ही ये फिल्म विवादों में घिरी हुई है। जी दोस्तों फिल्म पर धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है और इस फिल्म में अनु कपूर लीड रोल में है। हमारे 12 की कहानी से आहत लोग एक्टर और बाकी कास्ट को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जी दोस्तों इस पूरे मामले में अब अनु कपूर ने सफाई दी है। उन्होंने खुद को नास्तिक बताया और कहा कि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं जिसके मुझे पैसे मिले हैं। जी दोस्तों न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अनु कपूर ने कहा, व्यक्तिगत और अव्यक्तिक स्तर पर मैं नास्तिक हूं। मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सोचते थे कि मैं सही व्यक्ति हूं जो स्क्रीन पर उनकी सोच को लागू करने में सक्षम होगा, इसीलिए मैंने अपने किरदार को सही साबित करने की कोशिश की। मुझे बाकी चीजों की परवाह नहीं है। फिल्में एक काल्पनिक दुनिया है जहां मुझे एक कलाकार के रूप में चुना जाता है और मेरा काम अपनी कला को सही साबित करना है। जी दोस्तों अनु कपूर के मुताबिक वो इस फिल्म में काम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें धर्म विशेष से कोई दिक्कत है, बल्कि उन्हें अच्छे पैसे दिए जा रहे हैं। एक एक्टर के तौर पर उनके लिए सही काम और अच्छा पैसा मायने रखता है। जी दोस्तों अनु कपूर बोले, मैं धार्मिक आदमी नहीं हूँ, मेरा धर्म और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये फिल्म इसलिए की क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छा पैसा दिया है, इसी के लिए किया। मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, पर पैसे के लिए मैं ना किसी की जेब काटूंगा, ना चोरी करूंगा, ना गला घोटूंगा और ना ही अपने देश को बेचूंगा। जी दोस्तों अनु कपूर ने इसी के साथ कहा कि लोग हमेशा प्रोपोगेंडा के बारे में बात करते रहते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि पहले वो फिल्म देखें और फिर तय करें कि हमारी फिल्म किस बारे में है। उन्होंने इसे नहीं देखा है, इसीलिए मुझे समझ नहीं आता कि वे इस फिल्म को क्यों जज कर रहे हैं। जी दोस्तों हाल ही में कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने डिमांड की थी कि इस फिल्म को महाराष्ट्र में रिलीज न होने दिया जाए। वही मुस्लिम धर्म ऑर्गेनाइजेशन रजा अकादमी ने फिल्म की निंदा करते हुए तत्काल प्रभाव से फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। जी दोस्तों इस पर अनु कपूर का कहना है कि सेंसर बोर्ड एक सक्षम अथॉरिटी है जिसने हमारी फिल्म को पास किया है, हमें उन्हें इतनी शक्ति देनी चाहिए कि जब वो किसी फिल्म को पास करे तो उस पर कोई सवाल ना उठाए। फिल्म एक ऑडियो विजुअल माध्यम है, जो कोई भी हमारी फिल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है उसे शब्दों से उठाना चाहिए, गाली या बंदूक से नहीं। अगर वो बंदूक लेकर आते हैं तो हम भी बंदूक लेकर आएंगे। अगर लोग हमारी फिल्म को गाली दे रहे हैं तो इसका मतलब वो पहले से ही हार चुके हैं और हम जीत चुके हैं। जी दोस्तों बता दूं कि हमारे 12 फिल्म के ट्रेलर पर इतना विवाद गहराया हुआ है कि ट्रेलर को रिलीज के 24 घंटे पहले ही डिलीट कर दिया। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है। जी दोस्तों फिल्म का नाम पहले हम तो हमारे 12 दिया गया था, लेकिन फिर बदल कर हमारे 12 किया गया और फिल्म की रिलीज डेट 7 जून को तय की गई है। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे 12 को लेकर आपकी क्या राय है, पब्लिक की क्या राय है, या फिर ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का प्रोपोगेंडा है जो फिल्म को बैन करना चाहता है, या फिर ये फिल्म में कुछ ऐसा है जो सच में पब्लिक को नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट में बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।